यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। यशायाह अध्याय 44। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही में से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है कि हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशुरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उस मजनुओं की नाई बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई तो कहेगा कि मैं यहोवा का हूं, और कोई अपना नाम याकूब रखेगा, और कोई अपने हाथ पर लिखेगा कि मैं यहोवा का हूं, और अपनी पदवी इस्राएल बताएगा। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है कि मैं सबसे पहला हूं और अंत तक मैं ही रहूंगा, और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और जब से मैंने प्राचीन काल के मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरी नाई उसको प्रचार करे, वा बताए, वा मेरे लिए रचे अथवा होनहार बातें जो घटा चाहती है उन्हें प्रकट करे। तुम मत थरथराओ और भयमान न हो। क्या मैंने ये बातें प्राचीन काल ही से तुम्हें सुना सुनाकर बताता नहीं आया कि तुम मेरे साक्षी हो? क्या मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं है। मैं तो किसी को नहीं जानता। जो मूरत खोदकर बनाते हैं, वे सब के सब व्यर्थ है, और उनकी चाही हुए वस्तुओं से कुछ लाभ न होगा। और उनके जो साक्षी है, वे आप न तो कुछ देखते और न कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता व निष्फल मूरत ढाली है? देख, उसके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा, और कारीगर जो है वह मनुष्य ही है। वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे और सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसुला लेकर मूरत को अंगारों में बनाता है और हथौड़े से गड़गड़ कर तैयार करता है। वह उसको भुजबल से बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रंदनी से काम करता है और प्रकार से रेखा खींचता है, और उसका आकार और सुंदरता मनुष्य किसी बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। कोई देवदार को काटता व वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर सेवता है, और वह एक तूस का वृक्ष लगाता है जो वर्ष का जल पाकर बढ़ता है, तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, फिर उसको जलाकर रोटी बनाता है, फिर वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता है और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है, और वह मांस भूनकर तृप्त होता, फिर तापकर कहता है, वाह, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उसे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते और न कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि उनके आंखें ऐसी मुंदी गई है कि वे देख नहीं सकते, और उनका हृदय ऐसा हुआ है कि वे बूझ नहीं सकते, और कोई इस बात की ओर मन नहीं लगाता, और न किसी को इतना ध्यान व समझ रही थी कि वह कह सके कि उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयले पर रोटी बनाई और मांस भूनकर खाया है, फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊंगा? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं?
वह तो राख खाता है, वह भरमाए हुए मन से भटका हुआ है, और वह न तो अपने आप को बचा सकता है और न कह सकता है कि क्या मेरे दहिने हाथ में मिथ्या नहीं। हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण रख, क्योंकि तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है, तू मेरा दास है। हे इस्राएल, मैं तुझको न बिसराऊंगा, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा। यहोवा, जिसने तुझे छुड़ा लिया और तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है कि मैं यहोवा ही सब काम का पूरा करने वाला हूं। मैं ही अकेला आकाश का तानने वाला और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाने वाला हूं। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूं, और बुद्धिमानों को पीछे हटा देता हूं, और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूं, और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूं। मैं यरूशलेम के विषय कहता हूं कि वह फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगरों के विषय कि वे फिर बसाए जाएंगे, और मैं उनके खंडहरों को सुधारूंगा। मैं गहरे जल से कहता हूं कि तू सूख जा, और मैं तेरी नदियों को सुखा दूंगा। मैं कुसरू के विषय में कहूंगा कि वह मेरा ठहरा हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा, और यरूशलेम के विषय कहता हूं कि वह बसाई जाएगी और मंदिर की नींव डाली जाएगी।